शायद आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक आर्डर था 2000 का 2005 का, उसके हिसाब से रात के 10 से लेकर सुबह के 6 तक माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं अगर छोटी मिसाल आपको जरा दे के समझाऊं तो बात समझना आसान होगा। आपके पास भी टू व्हीलर होगी, बहुत सारे सिग्नल जंप होंगे, कई सालों तक आपको फाइन नहीं लिया गया, अचानक आपको पकड़ लिया गया, कहा गया कि आपका इतना फाइन है, आप फाइन अदा करें, तो अब वहाँ जो पुलिस वाले कहते हैं या डिपार्टमेंट की तरफ से जो तकाजा होता है तो उसको पूरा करना पड़ता है। तो इसी तरह इस आर्डर पर अब तक अमल नहीं हो रहा था, अब कुछ सरपसंद ही सही या कुछ लोग तो इस सिलसिले में कुछ शरारत करना चाहे, तो अब हुकूमत ने एक सर्कुलर सबके लिए जारी किया है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो या कोई और मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, सबके लिए एक सर्कुलर है। तो इसलिए हम अपने लिए खास कर लेना ये मुनासिब नहीं है। तो रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक, अब इसमें अजान फजर होती है तो अब इसको बंद नहीं किया गया है, अंदर अजान होगी, अजान आपकी होगी इंशाअल्लाह, जैसे हजरत इब्राहिम ने वहां खड़े होकर आवाज लगाई थी तो अल्लाह ने पूरे लोगों तक आवाज पहुंचाई थी, इंशाअल्लाह हमारी ये आवाज लोगों तक भी पहुंचेगी और सबके दिलों पे असर करेगी। अब क्या करना है इस वक्त, तो एक तो ये है कि फजर की अजान हम अंदर स्पीकर के अंदर दे लेना चाहते हैं तो वो दें, बाहर आवाज ना आए इसका आप ख्याल कर लें, और बगैर माइक के भी अगर देना चाहे तो इसकी भी गुंजाइश है, ये दूसरी बात हुई। और दूसरी जो अजानें हैं, इन अजानों के सिलसिले में या मीनारों से स्पीकर्स हटाना या पूंगे हटाना इसकी कोई बात नहीं है, बात ये है कि आपकी वैल्यूम लिमिट कितने डीबी में होना उतनी सिर्फ, तो उसके लिए हजरत उलमा ने डिवाइस तैयार करवाया है, ये आप लगवा लें तो आपके लिए वहाँ वो स्पीकर उतार रहे हैं या पुंगे उतार रहे हैं जैसे और स्टेटों के अंदर किया गया और दिखाया गया, यहाँ हमारे स्टेट में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये दिन की अजान जो होती है उसके लिए यहाँ जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें लिखा गया है कि आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी होगी, उसके लिए 3 आदमियों की एक कमेटी बनाई गई है, एक ACP बेंगलुरु शहर के लिए और जिलों के लिए DYSP और एक तहसीलदार होगा और एक पॉल्यूशन बोर्ड से एक ऑफिसर होगा, ये तीनों अफराद की एक कमेटी होगी। लेकिन हमको जो दरखास्त देना है, अब यहाँ हमारे लेटर हेड में लिखे वो ले जाके दें इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा लेटर है, उस लेटर में जो तफसीलात हैं वो मस्जिद की नहीं है बल्कि जो सेक्रेटरी हो या एक ट्रस्टी हो, मस्जिद का कोई भी एक नुमाइंदा हो सकता है, वो नुमाइंदा अपने तफसीलात लिख कर और वो वहाँ किस के लिए इस्तेमाल, बाहर के स्पीकरों के लिए, वो सिर्फ छोटी सी तफसीलात हैं, उन तफसीलात को आप अगर लिख कर दे दें और वहां से एक अक्नॉलेजमेंट मिलेगा वो लेके रख लें तो काफी हो जाएगा। अभी जाए लाइसेंस नहीं मिल रहा है, कब लाइसेंस मिलेगा, इस सिलसिले की कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। तो इन बातों का हमारी मसाजिद की कमेटियों को लिहाज रखना होगा। अलबत्ता मैं हमारे जितने भी अजला में एडवोकेट्स हैं या हमारे शहर में एडवोकेट्स हैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मसाजिद की कमेटी के जिम्मेदारों की जरा आप रहनुमाई फरमाए कि ये जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को फिलअप करके फिर ले जाके वहां जमा कर देना, तो जमा कर देंगे तो बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। और हमारे कुछ MLA अहबाब ने भी जिम्मेदारी ली है, चूंकि ये मस्जिद के लिए भी है, मंदिर के लिए भी है, तो ये सब के लिए जमा करके एक वक्त हम ACP ऑफिस में जमा करके अक्नॉलेजमेंट दिलवाने की भी कोशिश करेंगे, इसकी ये बात भी हो रही है। तो अब ये अजान बंद हो गई, अजान नहीं बंद हुई है, अजान अंदर होगी इंशाल्लाह, बंद नहीं होगी। अब उसको पहुंचाने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं इंशाअल्लाह, आगे चलकर अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ते निकलवाएंगे। ये हमारे वकील अहबाब इस सिलसिले में बातें कर रहे हैं और आपस में सलाह मशवरा हो रहा है, अगर वो 5 बजे तक हो जाता है तो मसला इंशाअल्लाह बहुत आसानी से हल हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वकील अहबाब इस पर जल्द अज जल्द बहुत ज़रूरी काम करेंगे और काम करके हमारे लिए राहत बख्शेंगे। जब किसी रियासत में इलेक्शन आता है
तो बहुत सारी ऐसी साजिशें रची जाती हैं और प्री प्लान होते हैं। तो ऐसी सूरत में हमको हिकमत अमली, दूरअंदेशी और समझदारी से काम लेना वक्त का अहम तरीन तकाजा होता है। तो ये यही चाहते हैं कि हमको उलझाएं और हमको इसमें ला के फंसाएं और हम और हमारी बदनामी करने की कोशिश करें, ये वो चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में हजरात उलमा और ये दानिश्वरान और हमारी सियासी रहनुमा और वकला हजरात बैठ के गौर व फिक्र करने के बाद जब ये डिसीशन लिए हैं, तो ये हमारी जितनी भी अवाम है या हमारे मसाजिद की कमेटियों की जिम्मेदार अहबाब हैं, इसकी तरफ तवज्जो करना चाहिए और इनकी बातों पे अमल करना चाहिए। ये हम आपको पीडीएफ फॉर्म भेज देंगे और या ये है कि हमारे बहुत सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके फोन नंबर्स आप ले लें, तो वहाँ या तो व्हाट्सएप कर दें या उनको फेसबुक में कुछ मैसेज डाल दें, तो इंशाल्लाह पीडीएफ फॉर्म आप तक पहुँचा दिया जाएगा। उसकी प्रिंट निकालने ले जाके सबमिट करनी, ये बहुत आसान है। मैं सबसे पहले आवाम से ये कहना चाहूँगा कि अजान बंद नहीं की गई, अजान होगी इंशाल्लाह। अजान के होने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। हाँ, जैसे पहले माइक्रोफोन नहीं था तो अजानें हो रही थी, आवाजें पहुंच रही थी, और आज भी फजर की अजान शायद उसी अंदाज से हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल हर एक मुसलमान के दिल को पहुंचा दे और वो नमाज के लिए पहुंचे और नमाज अदा करें जमात के साथ मसाजिद में, तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन इत्तेहाद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। अगर हम इत्तेहाद छोड़ के आपस में बट के एक दूसरे को नीचा गिराने की हम कोशिश करते रहेंगे, तो इससे हमारी कौम को गिराना आसान हो जाएगा। मैं तमाम नौजवानों से खुसूसियत के साथ गुजारिश करना चाहूंगा कि हम इत्तेहाद से काम लें और हमारे उलमा पे एतिमाद करें। अल्लाह का शुक्र है रियासत कर्नाटक में तमाम मसलकों के दरमियान में एक अच्छा विफाक है और इत्तेहाद है। इसी का नतीजा है कि बहुत सारे मसाइल बआसानी एक ही आवाज में आवाम तक पहुंचाए जा रहे हैं। अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद को हमेशा बरकरार रखे। आज हमारे अमीर शरीयत ने एक मीटिंग बुलाई थी तमाम सियासती कायदीन को और उलमा इकराम को एक मीटिंग बुलाई गई थी। वजह इसकी हाल ही के अंदर ये जो लाउड स्पीकर को लेकर जो गवर्नमेंट का जो आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट का जो 2005 के अंदर जो ऑर्डर हुआ है 2005 में 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ मस्जिद नहीं, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या पब्लिक कोई भी सियासी पॉलिटिकल भी कोई भी माइक यूज़ नहीं करता करके उसके ऊपर एक कोर्ट का आदेश है। और उसके साथ साथ में गवर्नमेंट से एक ऑर्डर भी इशू किया गया है कि जितने भी मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, जो भी लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं उसका परमिशन लेना करके गवर्नमेंट से भी एक आदेश हुआ है। बहरहाल हमारा मसला ये था कि रात में 10 और दूसरा कोई चार अजान के लिए कोई मसला नहीं है। सवेरे नमाज के लिए, सवेरे अजान के लिए एक मसला था, उसके लिए अमीर शेर मीटिंग बुला के कि लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना, कैसे करना करके एक तय करके कि लाउड स्पीकर, क्योंकि कोर्ट का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते, मस्जिद के अंदर अजान दे सकते, खाली लाउड स्पीकर में अजान नहीं देते करके वो कोर्ट के आदेश के ऊपर अमीर शरीयत ने ये डिसाइड तय करके कि मस्जिद में लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना, सवेरे लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना, अजान दे सकते, लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना करके अमीर शरीयत ने अनाउंस किया। उसके साथ में जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो परमिशन लेना करके गवर्नमेंट का जो आदेश है वो सिंपल है, वो ज़्यादा कुछ इसके अंदर कंडीशंस नहीं है। जो भी उसके सदर होते, सेक्रेटरी होते या कोई भी उसके एक जिम्मेदार, उसका एक आधार कार्ड देके एक परमिशन लेना, और परमिशन के लिए एक कमेटी बनाया गया बेंगलुरु सिटी में, जैसा कि 3 जन की कमेटी बनाया, यानी ACP और एग्जीक्यूटिव BBMP का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्लस एक पोल्यूशन बोर्ड से एक ऑफिसर डाला जाता है, उसको लेके जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म देना, एप्लीकेशन फॉर्म देके अक्लाइजमेंट ले लेंगे तो बस है। और रूरल के अंदर जैसे बेंगलुरु सिटी छोड़े तो रूरल के अंदर DOSP कमेटी के अंदर DOSP को डाला गया, तहसीलदार को डाला गया, एक पोल्यूशन बोर्ड का एक ऑफिसर को डाला गया, उनको परमिशन लेना करके गवर्नमेंट का एक आदेश है। तो मेरे तमाम हमारे मस्जिद के जिम्मेदार से एक आजीजाना गुजारिश है तमाम स्टेट के, ये परमिशन लेना ज़रूरी है, मेहरबानी करके आप अपना एप्लीकेशन डाल के वो परमिशन लेके उसका एक अक्लाजमेंट ले लेंगे तो बेहतर रहता। इसका उसका छोड़ो यार, इसका बात करो, इसका बात करो तुम। हाँ,
नहीं, अजान के लिए नहीं है ये, हर एक के लिए, यानी कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है, उधर किधर भी मेंशन नहीं किया, यानी अजान के लिए या मंदिर के लिए मस्जिद के लिए करके नहीं। रात में 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकता करके। दिन में जो है, जैसा कि मस्जिद हो, जैसा कि मंदिर हो, जैसा कि चर्च हो, जैसा कि गुरुद्वारा हो, इतने डिसिबल एरिया, इतना डिसिबल में, इतने ही डिसिबल में आजा ये साउंड आना करके। अभी जैसा कि कमर्शियल एरिया करके है, कमर्शियल एरिया में 70 डिसिबल आना करके है, रेसिडेंस एरिया 65 डिसिबल आना करके है। जैसा कि साइलेंट जोन, साइलेंट जोन मतलब उसके अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, उधर 55 डिसिबल देना करके ये है। उसके लिए हम लोग ने क्या किया, उसको साउंड कंट्रोल डिवाइस करके आता है, ऑलरेडी सब जगह हम लोग फिट कर लिए। मैं ये क्या बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा ये अल्लाह की मर्जी है। इसके अंदर हाल ही के अंदर हमने देखे होंगे जो कोरोना, जो 2021 के अंदर जो कोरोना आया था, तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मक्के मदीने में तक मस्जिदें बंद थी, तो घर घर में घर घर में नमाज पढ़े सब लोग, घर घर में नमाज पढ़े, ये अल्लाह की मर्जी है ये सब। ये अभी जैसा कि अजान, अभी अजान इतना डिसिबल में देना, बहुत सी जगह क्या होता है अजान सुनाई नहीं देती। अभी जैसे कि 6 बजे 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना, जैसे कि फजर की अजान नहीं आती। अभी अल्लाह की मर्जी है ये, हम लोग हर एक के अंदर मोबाइल के, मोबाइल हर एक के पास है, इसके पहले भी बताया था मैं, मोबाइल में रख लो, अभी घर घर में अजान सुन सकता है, वो ऐप डाल लो आप, घर घर में अजान सुन सकते हैं। नहीं कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, और उसका ले परमिशन लेने तक भी हम लोग इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसा हम एप्लीकेशन डालो, एप्लीकेशन डाल के उसका अक्लाइमेंट ले लो। नहीं अभी हम लोग क्या करें, अभी जैसा कि मेरे हल्के के अंदर, अभी जैसा चामराजपेट हल्के के अंदर खाली सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद मंदिर चर्च सबको बुलाया था मैं मीटिंग, सबको बुला के जो डिवाइस डालना, जो लाउड स्पीकर का जो कंट्रोल का जो डिवाइस है ना, वो हर जगह हम लोग डाल रहे हैं। अभी जैसे कि मेरे बाजू में पुलकेशी नगर है, गोविंद राज नगर है, विजयनगर है, उधर भी हमने अल्ताफ भाई ने हमारी टीम मिलकर कल मीटिंग बुला के हमने जवाबदारी ले ली है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है हम वो फिलअप करना, वो एप्लीकेशन जाके सबमिट करना। मतलब खाली सिर्फ मस्जिद को नहीं है, यानी मंदिर को भी है, चर्च को भी है, गुरुद्वारा के लिए भी है, गुरुद्वारे की भी है। नहीं ये एकदम ये सिंपल है, ये मैं क्या बोलता हूँ, मस्जिद के जिम्मेदार कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन लोकल ACP को जवाबदारी दिया गया है, वो लोकल एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ऑलरेडी में दिखाया, ये एप्लीकेशन के अंदर सिंपल है। ये कोई भी मस्जिद का जो जिम्मेदार होता है, जैसे कि सदर, सेक्रेटरी, कोई भी एक, उसका एक आधार कार्ड दे के, उसको आधार कार्ड देके एप्लीकेशन ये फिलअप करके दे देंगे, तो वो परमिशन दे देगा। परमिशन आने तक भी आप इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। खाली आप जाके वो एप्लीकेशन सबमिट करके ACP के पास उसका आप अक्लाइमेंट ले लो। हमें सपोर्ट करने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देश और दुनिया की मौजूदा हालात पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए बी चैनल, कलम हमारी आवाज़ आपकी।